जय माता दी। मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपका स्वागत करता हूँ एस्ट्रोकाल गणना में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, धनु राशि वालों के लाइफ में आने वाले दिनों में क्या बदलाव आने वाले हैं, इस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। प्रिय दर्शकों, जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूँ, ये चंद्र राशि के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली की जो राशि बनती है उस राशि के आधार पर। अगर आपको अपनी चंद्र राशि पता नहीं, इस राशिफल को आप अपने प्रचलित नाम राशिफल पर घटित कर सकते हैं। समझने के लिए यहाँ पर मैंने बोर्ड पर कुंडली का निर्माण किया, जहाँ पर 9 अंक लिखा हुआ। आपकी राशि धनु राशि है और आपकी राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति बनते हैं। जो देव गुरु बृहस्पति कुछ दिनों पहले 1 मई 2024 को आपकी राशि से छठे भाव में, जहाँ पर 2 अंक दिख रहा है, वहाँ पर उनका प्रवेश हुआ है। पूरे साल भर देव गुरु बृहस्पति यहीं पे रहेंगे, यानी कि 15 मई 2025 तक यहीं रहेंगे, आपके छठे भाव में रहेंगे। और देव गुरु बृहस्पति यहाँ पे आते ही अस्त हो गए और देव गुरु बृहस्पति बलहीन हो गए हैं। और 2 जून को देव गुरु बृहस्पति को बल प्राप्त होगा, देव गुरु बृहस्पति उदय होंगे, तो देव गुरु बृहस्पति के प्रभाव में आपको बदलाव देखने को मिलेगा और आप अपने जीवन में भी बदलाव देखने को आपको मिलेगा। तो यहीं पर आपको सूर्य भी दिख रहे हैं, शुक्र भी यहीं पर विराजमान है छठे भाव में। और 1 जून को एक बड़ा बदलाव दूसरा और होगा, जो अंगारक दोष आपके सुख भवन में बना हुआ, जहाँ पर 12 अंक का ये सुख भवन है, इसमें अंगारक दोष बना हुआ राहु और मंगल का, ये अंगारक दोष भी समाप्त हो जाएगा। और आपके पंचमेश जा करके पंचम में बैठेंगे, यानी कि जहाँ पर 1 अंक लिखा ये मंगल की राशि, और मंगल अपनी ही राशि मेष राशि में यहाँ पर पंचम भाव में बैठ जाएंगे, यानी कि आपके ज्ञानेश जो हैं, संतान के मालिक जो हैं, वो वहीं उसी भाव में 1 जून के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। और आपको अपने शनि महाराज जो हैं आपके कुंडली में, वो शनि महाराज आपके तृतीय भाव में, जहाँ पर 11 अंक है, वहाँ पर विराजमान हैं। और केतु महाराज आपके कर्म भाव, कैरियर भाव में विराजमान हैं। तो बुध भी आपको अपने पंचम में दिख रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जो है 1 जून के बाद आपको बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। 2 जून के बाद देव गुरु बृहस्पति भी उदय हो जाएंगे और 5 जुलाई के बाद शुक्र भी उदय हो जाएंगे। शुक्र भी अभी अस्त अवस्था में हैं। तो क्या बदलाव देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में आपको, देखिए सबसे बड़ा बदलाव जो होगा कैरियर को लेकर होगा। देखिए कैरियर भाव में मंगल की दृष्टि भी थी, राहु की भी दृष्टि थी, साथ में कुछ उठक पटक चल रही थी कैरियर संबंध में, व्यापार संबंध में, रोजगार में संबंध में। नए व्यापारी कुछ नया नहीं कर पा रहे हैं, या नया व्यापार नहीं खोल पा रहे हैं, या नए लोग व्यापार में नहीं जुड़ पा रहे हैं। जहाँ पर आप काम करना चाहते हैं, वहाँ पर आपका काम नहीं बन पा रहा है। जहाँ आपने व्यापार को खोलना चाहते हैं, वहाँ पर व्यापार नहीं खुल पा रहा है। या जहाँ आप नौकरी करना चाहते हैं, वहाँ पे आप इंटरव्यू में लगातार आप असफल हो रहे हैं। तो आपको इंटरव्यू में भी सफल होंगे, नौकरी आपको वहाँ पर मिलने का योग बनता है 1 जून 2024 के बाद। देव गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि सीधा आपके कैरियर भवन पर पड़ती है, और कैरियर भवन पर देव गुरु बृहस्पति जो ही दृष्टि पड़ेगी, तो कैरियर में, व्यापार में, रोजगार में आपका बदलाव मिलेगा। सहयोगी पार्टनर आपको मिलेंगे, नए कारोबारी आपको मिलेंगे, और व्यापार भी अच्छा चलेगा, और नौकरी भी आपको मिल जाएगी, और सरकारी क्षेत्रों से भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि सूर्य भी आपके छठे भाव में, साथ में देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके कैरियर में बड़ा बदलाव करेंगे। आपको सफलता नौकरी में मिलेगी और आपकी उन्नति भी होगी, धन संपदा की वृद्धि के योग भी बनते हैं, और व्यापार भी आपका ठीक ठाक चलने लग जाएगा। नए लोग आप उनके व्यापार में जुड़ेंगे और नया कारोबार भी आप खोल सकते हैं। निश्चित होकर के आप नया कारोबार खोलें, और बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं, कारोबार खोलेंगे तो आपका कारोबार बढ़िया धनु राशि वालों का चलने वाला है देव गुरु बृहस्पति की कृपा से। फिर जो लोग व्यापार के साथ साथ, जैसे कोई व्यापार विदेश से करते हैं, या विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से जुड़े हुए काम करते हैं, या विदेशी से जुड़ी हुई कंपनियों में काम करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको लाभ के अवसर मिलेंगे, उन्नति के अवसर मिलेंगे। देव गुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठ करके 12वें भवन को देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है विदेश जाने का भवन है ये, तो इस भवन में जो है दृष्टि पड़ने से विदेश जाने, यात्राओं में आपको लाभ मिलेगा। या देव यात्राएं करें, तीर्थ यात्राएं करेंगे आप, साथ में आपको जो समस्याएं थी, चिंताओं चिंता ज़्यादा थी, अनिद्रा के शिकार थे आप, मानसिक तनाव था आप, कहीं ना कहीं ये तनाव भी आपका समाप्त होगा। फिर सुकून की
जो परेशानियां थी, जो आपको मानसिक तनाव था, कि शुक्र भाव में आपके राहु भी थे और मंगल भी थे, कहीं ना कहीं वाहन संबंधित दिक्कत हो रही थी, प्रॉपर्टी संबंधित दिक्कत हो रही थी, प्रॉपर्टी लेने परेशानी हो रही थी, या प्रॉपर्टी आपकी लेते ही फंस गई, या कुछ विवाद हो गए प्रॉपर्टी में, तो वो विवाद भी निपटने के योग बनते हैं और सुखों की वृद्धि होगी। माता पिता के स्वास्थ्य में जो भी परेशानियां हैं वो परेशानियां दूर होंगी। अपने सहयोगी वर्ग, जनता से जुड़े हुए, रोजगार व्यापार आपके अच्छे चलेंगे। साथ में सीनियर और जूनियर आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा आपका बढ़ने वाला देव गुरु बृहस्पति की कृपा से। साथ में देव गुरु बृहस्पति जो हैं धन के जो हैं धन भाव को भी देखते, धन के लग्न को भी देख रहे हैं, धन त्रिकोण के तीनों पर भावों को प्रभावित करेंगे, यानी धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। देखिए वाणी में भी सुधार होगा, बोलने की क्षमता बढ़ेगी, जो लगातार जिस काम पे आप लगे हुए थे, करने पे लगे थे, वो काम में आप सोच रहे थे क्यों नहीं बन रहा है काम, वो काम भी आपका बन जाएगा। और अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी आप भ्रमित ना हो, लक्ष्य में लगे रहें, जो काम आपने सोचा है, जिस पे आप मेहनत कर रहे हैं, जिस नौकरी के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। देव गुरु बृहस्पति कैरियर में बड़ा बदलाव करेंगे। साथ में धन धान्य की वृद्धि होगी, एक्स्ट्रा इनकम होने का पूर्ण योग बनता, क्योंकि ये छठा भाव भी धन त्रिकोण का भाव है, द्वितीय भाव भी धन भाव है, दशम भाव भी धन का भाव ही माना जाता है। तो देव गुरु बृहस्पति आपके धन पर भी प्रभाव डालें। खर्चा भी बढ़ेगा आपका, ऐसा नहीं खर्चा नहीं बढ़ेगा, खर्चा भी बढ़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बेवजह का खर्चा ना बढ़े, जैसे होता है पारिवारिक दुखों पर, कष्टों पर, समस्याओं पर अचानक कोई समस्या आ जाए लाइफ में, वहाँ पैसा देना पड़े, तो ऐसा न हो, इसके लिए आपने वीरवार के दिन लक्ष्मीनारायण मंदिर में जाएं, भगवान लक्ष्मीनारायण जी को और माता लक्ष्मी को आप तुलसी की माला लेके जाएं या पुष्प की माला भगवान को चढ़ाएं और बैठ करके थोड़ा देर भगवान नारायण के चरणों में बैठ के आसन लगा करके ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप करें, नारायण कवच का पाठ करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, पुरुषोक्त का पाठ करें और भगवान नारायण जी से प्रार्थना करें, जो मेरे जीवन में संकट हैं, विघ्न बाधाएँ हैं, परेशानियाँ हैं, उनसे मुझे दुखों से, कष्टों से मुझे निजात मिले, भगवान नारायण से आप प्रार्थना, क्योंकि आपके राशि के स्वामी ही देव गुरु बृहस्पति हैं और देव गुरु बृहस्पति जितने आप बलवान होंगे उतने आपकी लाइफ में परेशानियां दूर होंगी। देव गुरु बृहस्पति अकेले धन को देते हैं, संतान को देते हैं, सुखों को देते हैं, नौकरी पैसा भाग्य बनाने वाले देव गुरु बृहस्पति हैं। और देव गुरु बृहस्पति की स्थिति छठे भाव में है, तो आपने अधिक से अधिक आपने विष्णु सहस्रनाम के पाठ करने हैं, साथ में मंदिरों में जाकर थोड़ा से दान पुण्य करें, आप दीनहीनों की मदद करें, ब्राह्मणों को दान, क्योंकि बृहस्पति ही ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को थोड़ा दान पुण्य करें उस बृहस्पतिवार के दिन। और आप बिल्कुल भी अपवित्र न रहें, अशुद्ध न रहें, फटे पुराने वस्त्र न पहने, क्योंकि आपके जितने सात्विक रहेंगे धनु राशि वाले, इतने आपका भाग्य चमकेगा, आपकी किस्मत चमकेगी। और आपने अपने सर पर या गले पर या नाभि पर केसर का तिलक लगाना है, हमेशा लगाना है, और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, व्यभिचार नहीं करने, आपने झूठ फरेब के काम नहीं करने हैं, आपने बड़ों का अनादर नहीं करना, देवों का अनादर, मतलब अपने से बड़ों का अनादर नहीं करना है, आपने किसी देव भगवान की निंदा नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है। जितना आप सात्विक रहेंगे इतना देव गुरु बृहस्पति इतने बलवान होते जाएंगे, आपके जीवन परेशानियां संकट दूर होते जाएंगे। देखिए आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि भी होगी, आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, और साथ में पंचमी इस ज्ञान जा रहे हैं 1 जून के बाद, तो आपके जितने भी परेशानियां, संतान संबंधित कोई परेशानी है, क्यों कुछ दिनों के लिए 40 दिनों के लिए मंगल यहीं पर रहेंगे, तो संतान का योग भी धनु राशि का एक्टिव हो जाएगा, क्यों मंगल यहाँ पर बैठ के संतान तो देते ही देते हैं, लेकिन यह है गर्भ नष्ट होने का भी योग बनता है, इसलिए मंगल का भी दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन के लिए बहुत अच्छा है, प्रेम अफेयर लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि आपके लाभ भवन पर पड़ती है, मंगल की एक दृष्टि आपके व्यय भवन पर पड़ती है, तो इसलिए विवाद भी नहीं करना है, अहंकार भी नहीं करना, ईगो भी पैदा नहीं करना है, आपने सरल बन के रहना, तो आपके जीवन में आने वाले दिनों में धन संपदा को लेकर के, कैरियर को लेकर के, और कर्जा इत्यादि जो भी समस्याएं आपको हैं वो कहीं ना कहीं दूर होगी, शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे और शत्रु भय आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्यों सूर्य आपके छठे भाव में है, शुक्र भी यहीं विराजमान है, देव गुरु बृहस्पति भी यहीं विराजमान है, धन की स्थिति काफ़ी सुधरने वाली है, नई नौकरी आपको मिलने वाली है, भाग्य का साथ भी मिलेगा आपको, और साथ में भूमि प्रॉपर्टी में जो भी विवाद हैं, परेशानी हैं, कुटुंब परिवार में परेशानी हैं, वो परेशानी कहीं न कहीं आपकी अब धीरे धीरे समस्याएं दूर होने वाली हैं,
प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं या ग्रह शांति करवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करें और आप हमसे बात कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। जय माता दी।